सो गाइज प्लीज़ इग्नोर माई डार्क सर्कल्स. बाय द वे ये मेरा इस हॉस्टल में आखिरी रात है, आखिरी दिन है. तो काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है, इमोशनल होती हूँ क्योंकि काफ़ी सारी यादें जुड़ी होती है. यहाँ पे मैं ज़्यादा टाइम से रही नहीं हूँ, फिर भी आई थिंक 4 महीने मैं इस हॉस्टल में रही हूँ. फिर भी बहुत सारी मेमोरीज़ हैं यहाँ से. यहाँ के जो स्टाफ हैं वो भी बहुत अच्छे हैं. अगर आप यहाँ आने का सोच रहे हो, फूड भी अच्छा है और जो स्टाफ है हमारी वार्डन है वो भी बहुत अच्छी हैं. सबको यहाँ पे बहुत अच्छा है, मतलब जाने का आपका मन ही नहीं करेगा. बट अभी हम मजबूरी है, क्या ही कर सकते हैं, क्योंकि इतने टाइम के लिए घर जा रही हूँ तो हॉस्टल में रुकने का कोई मतलब ही नहीं बनता. कि हम लोग सामान वगैरह शिफ्ट करने में लगे तो वो सब शूट नहीं कर पाई. बट हाँ, सारा सामान ये आप देख लो, कबर्ड है मेरा, ऊपर से नीचे तक सब कुछ खाली कर दिया कबर्ड में. तो मेरे सामान जो बेड के नीचे थे वो सारे भी खाली हो गया. यहाँ पे जो पूरा मेसी बना हुआ था उसको भी खाली कर दिया है. और अब बस मेरा जो घर ले जाने वाला सामान है, जो सामान मैं घर लेके जाने वाली हूँ, तो उनको सही करना है. दैट्स इट. दिन में एक टाइम खाना खा रही हूँ, वो भी डेली रात के 9-10 बजे. तो अभी मैंने ऑर्डर किया था और अभी मेरा खाना आया है, तो मैं आपको दिखाती हूँ खाना मेरा. ये है मेरा खाना. इसमें है रोटी, 3 रोटियाँ हैं इसमें, और नॉन वेज रेस्टोरेंट से है. तो अगर आप नॉन वेज खाते हो, इफ़ यू आर नॉन वेजिटेरियन, देन ये कोटा में बहुत अच्छा बनाते हैं, आप यहाँ से खा सकते हो. ये मेरा पर्सनल फेवरेट है, मैं हमेशा नॉन वेज यहीं से ऑर्डर करती हूँ. ये बैग लेके आए हैं, ये बैग और नया नेकलेस और हम लोग ले रहे हैं कचौड़ियाँ. चाय की टफरी पियेंगे, चाय समोसे. हमारे सुबह सुबह मॉर्निंग टीम और 2022 वाल्टी और भी अच्छा बना दिया उसको. ये नाश्ता सुबह का, देखा हो नाश्ता, और हम लोग देख रहे हैं लोग कल का एक्सपीरियंस इतना अच्छा था. हेलो गाइस, सो ये है मेरा रूम अभी इस हाल में. सो जो मेरा उधर जो भी सामान था वहाँ आप देख सकते हो. लास्ट व्लॉग में आपने देखा होगा कि मतलब बहुत ज़्यादा मैसी था, लेकिन अभी काफ़ी क्लियर लग रहा होगा वहाँ पे, क्योंकि सारा सामान नया के रूम में जा चुका है. बाथरूम पूरा खाली हो चुका है, ये टेबल वगैरह सब कुछ खाली हो चुका है. बस वो भगवान जी वहाँ पे बचे हुए हैं, तो उनको जब मैं जाने वाली होंगी उस टाइम पे उसको निकाल के नेह वाले मंदिर में, नेहा का जो रूम का मंदिर है उसके अंदर उसमें रख दूँगी. मुझे याद आया कि ट्राइपॉड मेरे बैग में ही है, तो मैं मेरा बैग पैक लेके जाऊँगी जो मैं हमेशा हर जगह लेके जाती हूँ. मेरा जो बैग पैक है ब्राउन वाला, वो वाला बैग पैक लेके जाना है. और उसमें एक्चुअली उसमें बहुत सारे कंपार्टमेंट्स हैं, तो ये उस बैग का प्लस पॉइंट है कि इसमें काफ़ी सारे चेन्स वगैरह हैं. तो इससे मुझे ये आइडिया रहता है कि कौन सा चीज़ मेरा किस वाले चेन में रखा हुआ है. और मेरे पास एक बैग है लेकिन उसमें सिर्फ और सिर्फ 2 चेन है और उसका साइज़ बड़ा है, तो इस वजह से मैं कंफ्यूज थी कि क्या करूँ क्या करूँ. देन फाइनली मैंने डिसाइड किया कि मैं मेरा जो बैग पैक है वही लेके जाऊँगी घर. और वैसे भी सारा सामान जो है वो मेरे ट्रॉली में आएगा, इस ट्रॉली में, तो और कुछ फ़ायदा नहीं है. चिपकाने वाले हुक लिए हैं वहाँ रूम में, क्योंकि मुझे काफ़ी कुछ वहाँ पे टांगना होगा तो इस वजह से. और क्या हुआ है, अभी नया नया पेंट हुआ है, अभी रिसेंटली कंस्ट्रक्शन का काम ख़त्म हुआ है, मतलब ख़त्म किया, बीच में ही चल रहा था और फिर बंद हो गया क्योंकि पापा की तबीयत ख़राब हो गई इस वजह से. तो कुछ कुछ चीज़ें थी जो मुझे लेके जानी थी रूम के लिए, जैसे कि सोप ट्रे, बाथरूम का भी कुछ भी फिनिशिंग नहीं हुआ है इस वजह से, तो वो ले लिया है मैंने, लिया है. और जो बच्चे हैं उनके लिए वो बॉटल लिया है. और मेकअप ब्रश, मेरी मासी की बेटी को बहुत पसंद है मेकअप की चीज़ें, मेरी तरह बिल्कुल वो, तो इस वजह से मैंने सोचा उसके लिए भी बॉटल ही ले लेती हूँ. उसके छोटे भाई के लिए मैंने बॉटल लिया है, लेकिन फिर मुझे वो ब्रश का सेट दिखा तो मैंने वो ब्रश ले लिया. और बस हाँ, अभी तो इतना ही है. अभी मुझे लिखना है प्रैक्टिकल्स, लाइक कुछ और भी बचे हुए हैं तो उनको कंप्लीट करके ही सोऊंगी क्योंकि कल है मेरी ट्रेन. गाइस अभी मैं प्रैक्टिकल्स वगैरह लिखना स्टार्ट करती हूँ. अभी और ये हमारी पढ़ाई, लिख रही है म्यूजिक संगीत, और मैं लिख रही हूँ फिजिक्स. अभी बताओ इसमें ऐसे ऐसे डायग्राम्स बनाने हैं, मतलब क्या है यार, जिंदगी खराब हो गई है. चलो लिख लेते हैं जल्दी जल्दी. ये इसका रूम है, ये मैं आपको दिखाना चाहती हूँ. ये देखो हैप्पी बर्थडे अभी तक लिखा हुआ है.
यही चल रहा है अभी, 50 पेज लिखना है इस पे। बाय बाय रूम, एकदम गंद मच गया है रूम में, जाने का टाइम आ गया है तो अब चलते हैं। सो गाइज, फाइनली मैंने रूम में चेकआउट मार दिया और जो मेरा ट्रॉली था ले जाने वाला उसको लेके मैंने कैब किया और फिर आ गए स्टेशन। स्टेशन पे ये शॉप थी, यहाँ पर से मुझे जो भी सामान लेना था, चिप्स वगैरह, केक वगैरह, वो सब ले लिया यहाँ से। और ये रहा कोटा जंक्शन, यहाँ पे मेरी ट्रेन लगी हुई थी और 6 बजे का टाइमिंग था और मैं 5 बजे ही आ गई थी, तो मैं बैठी हुई थी। उसके बाद फिर मैं मेरे सीट पर जाने का वेट कर रही थी, मेरी सीट कन्फर्म हो गई थी वैसे तो, और यहाँ साइड लोअर में मेरी एक फ्रेंड भी बैठी हुई थी तो मैं उसी सीट पर बैठी रही क्योंकि मेरा सबसे ऊपर वाला सीट था, तो बस सोने के टाइम पे वहाँ चली गई थी। और फिर मैं जाके मेरी सीट पे जाके सो गई, जो भी खाना वगैरह मैंने पैक कराया था वो सब खा के, और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग 11-12 बजे ट्रेन पे ही उठती हूँ। देखती हूँ इतनी सर्दी है हर जगह, अभी हम लोग यूपी में थे इस टाइम पर, आप देख सकते हो हर तरफ फॉगी फॉग, सरसों के खेत, बहुत अच्छा मौसम हो रहा था लेकिन ट्रेन में पानी नहीं आ रही थी। और ये कोटा पटना एक्सप्रेस है तो इसमें पानी नहीं आ रही थी, तो बहुत टाइम तक वेट किया था ब्रश करने के लिए। और ये है काशी विश्वनाथ गंगा, तो ये सब देख के काफ़ी अच्छा लग रहा था। उसके बाद मैं फाइनली पटना पहुंची थी 8 बजे, और वहाँ पे फूड कोर्ट है, वहाँ बैठ के मैंने अपने लिए नूडल्स पैक कराए क्योंकि टाइम नहीं, बस 1 घंटा का गैप था। उसके बाद फिर मेरी दूसरी ट्रेन थी पटना से भागलपुर के लिए, और फूड कोर्ट में बैठे बैठे मैं बोर हो रही थी, मैंने कोल्ड ड्रिंक पिया और फिर जाके प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर मेरी ट्रेन आ रही थी तो मैं वहीं पर जाके खड़ी हो गई। मतलब मैं 4 को शाम में निकली थी 6 बजे, और अभी 5 तारीख को था, 5 तारीख के रात के 9 बजे समथिंग। और ये रहा मेरे नूडल्स, फाइनली मैं मेरे सीट पे आ गई, यहाँ पे मुझे लोअर सीट अलॉट हुआ था, थैंक गॉड। 5 घंटे का जर्नी था एंड फाइनली मैं मेरे घर पहुँच गई रात के 3 बजे। मेरी मम्मा और मेरा भाई पिकअप करने आया था मुझे स्टेशन पर से, इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी इतने टाइम बाद फाइनली फैमिली के साथ हूँ मैं। और मम्मा और ट्रॉली बैग वो रिक्शा करके जा रहे थे और मैं और मेरा भाई बाइक से आ रहे थे, इतनी रात में कोई भी नहीं था। उस टाइम पे भागलपुर ऐसा दिखता है, एक गाड़ी वाला गाड़ी, नल्ला गाड़ी तो कोई काम धंधा नहीं है, ये एक बाइक वाला है। अभी कैसा शहर मारने के लिए नाइट राइड पे एक सिग्नल चल रहा है लेकिन कोई नहीं है, बंद है। अरे मतलब चलता था ना, रात में 10 बजे के बाद बंद हो जाता है, रात के 10 बजे के बाद कोई आएगा रोड पे तब ना एकदम पगला। एंड यस, मैं फाइनली घर पहुंच गई, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू।